नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज से पूरे बिहार में लॉकडाउन है पूरी तरीके से, और आपको बताते चले कि इसको लेकर के सिवान की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो एमवी आई है या फिर जो नए डीटीओ हैं, ये तमाम लोग अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि कौन कौन से वाहन सड़क पर चल रहे हैं। आपको बताते चले कि कुछ अब ऐसे वाहन जो निजी तरीके के हैं, बिना परमिशन के नहीं चलेंगे, जिस तरह से बिहार सरकार की गाइडलाइंस आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे पुलिस बल के जो जवान हैं, ये लोग लगे हुए हैं। वाहन की चेकिंग का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी हो चुका है, क्योंकि आज 16 जुलाई है और आज से ही जो है कि लॉकडाउन की जो शुरुआत हो चुकी है। बिहार में फुली लॉकडाउन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो गाड़ी वाले हैं उन्हें रोक दिया गया है, और उसके बाद से अब क्यों रुका गया, इनसे बातचीत होगी। कि ये बताइए कि आप लोग, तो पता है ना कि लॉकडाउन है आज से पूरे बिहार जी में। सर, तो फिर आप लोग क्यों निकले हुए हैं घर से? सर, थोड़ा जरूरी काम हमको जाना है सर, डॉक्टर अशोक ठाकुर दवा लेने। जी सर, ये तो बहाना लगातार लगा रहता है। जी सर, कहाँ पुर्जा उर्जा है रखे हैं? जी सर, देखो थोड़ा क्या हुआ है, किस चीज का, क्या करना है वहाँ जाकर? सर मिलना है वहाँ, हमारा मतलब वहाँ पर पेशेंट मिलना। अच्छा, पेशेंट से आपको मिलना? जी सर। तो पुर्जा कहाँ है आप? है क्या? पुर्जा नहीं है, नहीं वहाँ पे, वहाँ पे डायरेक्ट हमको जाना है सर हॉस्पिटल। तो आप बोले पुर्जा है हमारे पास? नहीं सर, वहाँ पे मिलना है। झूठ बोले हैं? नहीं सर। अभी आप बोले ना पुर्जा है? जी सर। क्यों झूठ बोले हैं? मतलब वहाँ पे जाना है सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है प्रशासन आप ही लोगों के लिए इस तरह का चला रही है और लगातार आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं? जी सर, बरत रहे हैं लापरवाही। जी सर, कहाँ जा रहे हैं सही से बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं पे जा रहे हैं सर, अशोक ठाकुर के पास। कुछ है नहीं, अभी आप झूठ बोल दिए सामने कैमरे के सामने, झूठ बोल दिए आप। तो वही आप देख सकते हैं कि ये सब्जी लेकर के, आप बताइए सब्जी कहाँ लेकर जा रहे हैं? महादेवा सर लेकर जाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो रुके हैं लोग ना? जी, क्या बोले हैं लोग? यही के माने के लॉकडाउन है, इसको पालन करने के लिए, पूरे बच्चे को इसे ही करने के लिए सर। आप बताइए कि सब्जी है, सब्जी लेकर हम जा रहे हैं? जी, हम सब्जी लेकर ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन है, पूरी लॉकडाउन है, उसके बाद से जो लोग हैं फिर से पुरानी वाली जो कहावत है वही शुरू कर दिए हैं, झूठ सच बोलना शुरू कर दिए हैं। एक व्यक्ति से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर के यहाँ जा रहा हूँ। जब उनसे पूछे गए कि आपका पुर्जा कहाँ है, स्लिप कहाँ है, तो जाहिर तौर पे आपको बताते चले, आप देख सकते हैं कि सिवान के एसपी यहाँ पे स्वयं पहुँचे हुए हैं, गश्ती कर रहे हैं। सिवान के जो पुलिस अधीक्षक हैं अभिनव कुमार, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये शुरू से ही गश्ती का सिलसिला चल रहा है। तो आपको बताते चले कि पूरे बिहार में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन को लेकर के सिवान के एसपी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से तमाम लोग गश्ती में लग करके और इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से अभिनव कुमार जो सिवान जिले के एसपी हैं, ये तमाम लोग लग करके थोड़ा सा सर से बातचीत करेंगे। और हालांकि पूरे बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, तमाम प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा सर बस आज पहला फिर से एक बार लॉकडाउन हो रहा है सर, क्या करना चाहिए? आप तो सुबह से सर निकले हुए हैं। लॉकडाउन में लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को भी रियलाइज हो रहा है कि ये लॉकडाउन बहुत समय की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल। और सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको घर में रहें और जो बाकी एसेंशियल चीज़ है वो भी, वो उनका उसमें कोई दिक्कत ना हो लोगों को। तो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जी, फिर भी हमारी जो पुलिस फोर्स है जी, सब जगह मौजूद है। और लोगों को ये रियलाइज हो गया कि ये जो दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है जी, जी, जी। उसकी क्या अहमियत है, लोग अब समझ रहे हैं। बिल्कुल सर जी। ओके सर, एक अपील क्या होगी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि प्रशासन तो काफी लगातार जागरूक कर रही है, उनके लिए क्या अपील होगी जो बिना मतलब के घर से बाहर जो अगर नहीं फॉलो करेंगे तो जो दंडात्मक कार्रवाई है, अगर मान लें कोई बाहर निकलते तो बिना मास्क निकलते उसके लिए फाइन का प्रावधान है, या अथवा जो कि मोटर व्हीकल का जो वायलेशन है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, उनको बोला जाएगा। बाकी नहीं तो अगर होगा तो उन पर फाइन होगा अगर वो वायलेशन करते हैं, अगर समझाने के बावजूद भी। सुबह से सर आप निकले हुए हैं क्षेत्र में, क्या कुछ स्थितियां हैं लोगों ने? बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों ने किया है, और माइकिंग भी प्रशासन के द्वारा माइकिंग भी की जा रही है, और बाकी कुछ जो लोग हैं, जो लड़के कुछ जो बाहर बैठते हैं प्रवृत्ति की तरह बैठे हुए हैं, तो हम लोग उस पर भी उनको भी सेंसिटाइज करते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिवान के पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार, आप देख सकते हैं सुबह से अपने पूरे दल बल के साथ ये निकले हुए थे। एक बार क्लोज करके दिखाई उस तस्वीर को, ये सुबह से निकले हुए थे और जब इनसे बातचीत हुई तो बहुत अच्छे तरीके से
अपनी बातों को रखा, तो आपको बताते चले कि पूरे बिहार में लॉकडाउन है और इसको लेकर के तमाम जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। एक बार पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, सुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।